इम्तिहान मुलतवी हो जाएंगे और जून और जुलाई में इम्तिहान होंगे। तो ये फैसले हमने मार्च के शुरू में किए। साथ ही आपकी हिदायत के मुताबिक हमने एक टेली तालीम का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमने एक टेलीविज़न के चैनल के ज़रिए तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। अब जब हमने ये भी फैसला किया था कि वक्त गुजरने के साथ हम ये सारे फैसले जो हैं इनको रिव्यू भी करेंगे, तो पिछले दो दिन पहले हमने बैरून सूबाई जो वज़रा थे तालीम के उनके साथ मीटिंग की, और मीटिंग करके उसमें तकरीबन कंसेंसस के साथ दो चीज़ों पे फैसले किए, जो कि आज हमने एनसीसी पहले एनसीओसी में पेश किए और आज एनसीसी में पेश किए और जिसकी आपने अप्रूवल दी। तो वो दो फैसले क्या हैं? वो फैसले ये हैं कि जितने स्कूल तालीमी इदारे, सिर्फ स्कूल नहीं यूनिवर्सिटीज़ भी बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं, वो पहली जुलाई को नहीं खुलेंगे बल्कि वो पहली जून को नहीं खुलेंगे बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी कि हमने जो स्कूल्स को और तालीमी इदारों को मज़ीद 1.5 माह बंद करने का फ़ैसला किया, जिसकी आपने मंजूरी दी। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तहान हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तहान होने थे अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी, और यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये कहा है कि वो जो 11वीं का रिज़ल्ट जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स है, इस वक्त पाकिस्तान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बोर्ड के इम्तहान होते हैं, तो अब क्योंकि इम्तहान नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा, और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो होगा मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिज़ल्ट हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। तो ये एक बहुत अहम फैसला है जो बच्चों की सेहत के लिए, क्योंकि अगर इम्तहान जो हैं वो हॉल्स में होते हैं और वहाँ पर क्लस्टर होने का ख़तरा था, और दूसरा उनको वहाँ पे आने जाने का, तो इसलिए बच्चों की सेहत के लिए और वालदैन की तसल्ली के लिए ये दो बड़े अहम फैसले किए गए। शफकत बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि मोहित आप प्लीज़ आप थोड़ा ज़रा लोगों को बताएं, मुझे पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज देख रहे होंगे या, और वो इस वक्त कई उनमें से जो आना चाहते हैं जो स्टैंडर्ड हैं मुश्किल में हैं उनको ज़रा, मैंने कोशिश तो की है बताने की हमारी मजबूरी जो क्वारंटीन की वजह से है, लेकिन आप प्लीज़ ज़रा अपडेट करें उनको।